हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्न मनी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, फाइनली इस चैनल पे यूट्यूब गाइड इन हिंदी 2020 स्टार्ट होने वाला है, यानी कि यूट्यूब का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसका ये लेसन 1 है। इसमें मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताऊंगी, लाइक डोंट वरी, मैं आपको कोई हिस्ट्री नहीं बताने वाली हूँ कि कब पैदा हुआ था और किस ईयर में इसने कितना अच्छा काम किया था, किस ईयर में इसने ग्रो की थी। नो, हम सिर्फ इसमें काम की ही बातें करेंगे, लाइक यूट्यूब पे आप कैसे अर्न कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, आपको चैनल क्रिएट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो सिर्फ आप पहले ही रख सकते हो, बाद में अगर आप उसको चेंज करोगे तो आपका चैनल खराब हो सकता है। इन मेन मेन चीज़ों की आज हम बात करेंगे, एंड स्पेशली उन चीज़ों की जो आपको चैनल क्रिएट करने से पहले ही सोच लेनी है, अपने माइंड में ना डिसाइड कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूट्यूब पे अर्निंग कैसे होती है। वैसे तो ये चीज़ सबको पता ही है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि यूट्यूब पे आप अपने वीडियोस डालना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, एक यूट्यूब का क्राइटेरिया है कि आपको 1 साल के अंदर 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर्स को अपने चैनल पर लाना है। मतलब कि आपके चैनल पर कितनी भी वीडियो हो डजेंट मैटर, बट आपके 4,000 घंटे पूरे होने चाहिए, 4,000 वॉच टाइम, ये क्राइटेरिया है। जब आप इसको अचीव कर लोगे तो आपके जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो जाएंगे और फिर आपकी जो भी वीडियोस होंगी उन पे एड्स आने लग जाएंगे, और एड के व्यू, मतलब जब भी कोई एड देखता है तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। फ्रेंड्स, हम इस कोर्स में सीखेंगे कि कैसे आप एक YouTube चैनल क्रिएट करें, फिर कैसे उस चैनल को कस्टमाइज करें, कैसे आप सही तरीके से वीडियोस को अपलोड करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे YouTube एनालिटिक्स, फिर हम ये जानेंगे कि YouTube की वीडियोस को रैंक कैसे करवाएं, और उसके भी बाद हम ये जानेंगे कि सब्सक्राइबर्स और व्यूज को इंक्रीज कैसे करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक लास्ट में अनाउंसमेंट भी होने वाली है, जो आई थिंक आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उस अनाउंसमेंट को भी आप सुनिएगा। आई होप वो अनाउंसमेंट जो मैं करने वाली हूँ आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। तो चलते हैं आगे की तरफ। फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कैटेगरी चूज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कभी जो है वीडियोस डाल रहे हो एनिमल्स के ऊपर, तो कभी आप वीडियो डाल रहे हो गेमिंग के ऊपर, कभी आप डाल रहे हो कॉमेडी के ऊपर, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कुछ मेन कैटेगरीज हैं यूट्यूब्स की, तो आपको ना इनमें से ही कोई कैटेगरी चूज कर लेनी है। लाइक आप गेमिंग की कैटेगरी चूज कर रहे हो ना, तो आप फिर सिर्फ गेमिंग के ही ऊपर अपनी वीडियोज को अपलोड करना और कुछ मत करना, क्योंकि इससे एक जो आपकी कम्युनिटी बनेगी ना, अगर सब्सक्राइबर्स बनेंगे तो उनमें से लेफ्ट मतलब छोड़ के जो चले जाते हैं ना सब्सक्राइबर्स, वो वाला जो सिस्टम है उसका जो परसेंटेज बहुत 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 मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग टाइप की वीडियोस डालते रहोगे ना, कि आप सोचोगे कि किसी सब्सक्राइबर को ये पसंद आएगा, किसी को वो पसंद आएगा, तो आपका अकाउंट एक खिचड़ी टाइप लगेगा कि आपने उसमें सब कुछ भर दिया है बस। तो ऐसा आपको नहीं करना है, एक बहुत ही क्लीन अकाउंट आपको रखना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने चैनल का नाम सोचना है, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2 या 3 वर्ड्स का ही आप नाम रखें, ज़्यादा बड़ा नाम मत रखिएगा, और 1 वर्ड का तो कभी ज़िंदगी में मत रखना, क्योंकि उस पर कॉम्पिटिशन आपको इतना मिलेगा ना कि आपको पूरा साल लग जाएगा, लेकिन आपका टॉप 10 में भी नहीं आ पाएगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता ये चीज़। 1 वर्ड का अगर नाम रखोगे ना, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो एटलीस्ट आप 2 से 3 वर्ड का नाम रखिएगा, और जो भी आपकी कैटेगरी होगी ना, लाइक अभी मैंने कैटेगरीज दिखाई थी, तो आप इन्हीं में से जो भी कैटेगरी चूज करेंगे, नाम भी उसी से रेलिवेंट रखना, मिलता जुलता नाम रखना। तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो गए। आगे
आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि कभी भी कॉपीराइट चीजें मत डालना, लाइक किसी और की वीडियो आपने कहीं से उठाई, हाँ कोई ऐप देख लिया कि वहां से डाउनलोड होती है, वहां से डाउनलोड करके आपने सेम टू सेम वहां पे पेस्ट कर दिया, अपने यूट्यूब अकाउंट पे डाल दी, या फिर उसने थोड़े बहुत से चेंजेस किए, कोई इफेक्ट लगा दिया या थोड़ा बहुत हेरा फेरी उसमें की एंड आपने कर दी वहां पे पब्लिश अपलोड कर दी, तो ये चीज़ कभी मत करिएगा, क्योंकि कभी ना कभी यूट्यूब आपको पकड़ लेता है, और जिस दिन यूट्यूब आपको ऐसे पकड़ेगा ना, तो या तो आपके अकाउंट पे आएगा कॉपीराइट क्लेम या फिर सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक, और अगर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं तो आपका अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड, तो ये चीज़ करिएगा ही मत। इतनी मेहनत करोगी, सब्सक्राइबर्स लाओगे 1000, वॉच टाइम पूरा करोगे 4000 घंटे का, बंद थोड़ी ना करवाना है आपको, राइट? तो इन चीजों से प्लीज दूर ही रहना। अगर कोई यूट्यूबर भी आपको सजेस्ट करता है ना ये चीज करने का कि देखो ऐसे करो इसमें आपकी मेहनत कम लगेगी एंड चैनल ग्रो करेगा, बिल्कुल भी मत करना। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्लान बना के देना चाहती हूँ, आप उस प्लान के हिसाब से वर्क करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। आपको सोच लेना है कि आपको एटलीस्ट 80 to 100 वीडियोस अपलोड करनी है, वो भी ये सोचते हुए कि आपको इनसे कोई अर्निंग नहीं होगी, ना आपको कोई लाइक मिलेगा, ना आपका सब्सक्राइबर एक भी बढ़ेगा, आपको सिर्फ वीडियो अपलोड करते जाने करते जाने। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब एवी सी कोई भी वीडियो आपने डाल देनी, नहीं, आपका जो वीडियो का कंटेंट होना चाहिए ना वो एकदम क्वालिटी, एकदम बेस्ट कंटेंट होना चाहिए, जो भी जिस भी चीज़ में आपकी स्पेशलिटी है ना, जिस भी फील्ड में, उस फील्ड में आप यूट्यूब पे चैनल बनाओ, ताकि जो आपकी वीडियोस में कंटेंट होगा ना वो ज़बरदस्त होना चाहिए, तो आपका चैनल ग्रो करेगा ही करेगा। और इन सब में लगा लीजिए 6 महीने, 6 महीने में आप 80 से 100 वीडियोस डालो, लेकिन डालो ऐसे कि आपकी वीडियोस को कोई पीछे ना छोड़ पाए, आपकी वीडियोस में हर क्वेश्चन का आंसर हो। अगर बंदा आपसे 5 क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको 5 आंसर तो देते ही देते हो, साथ में टिप्स भी दो, ऐसी आपकी जो है वीडियो होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आप टैग का कर लीजिए या क्वेश्चन आंसर रिलेटेड कोई भी चैनल बना लीजिए। अगर मान लीजिए कि गेमिंग का चैनल बनाया तो आप उसमें तो क्वेश्चन आंसर होते नहीं है, राइट? लेकिन बंदा आता है आपके चैनल पर ट्रिक्स सीखने के लिए, मान ली पबजी का चैनल बना रहे हो आप, तो पबजी के लिए ट्रिक्स सीखने आता है वो, आपने उसको सारी ट्रिक बताई और साथ में टिप भी आप दे सकते हो कोई भी। फ्रेंड्स, जिस अनाउंसमेंट की मैं बात कर रही थी वो ये है कि अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आगे ऐसे ही और भी प्लेलिस्ट्स बनाऊंगी, सीरीज बनाऊंगी, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैं शुरू भी कर चुकी हूँ, वेब डेवलपमेंट पे भी शुरू कर चुकी हूँ, फ्रीलैंसिंग पे भी स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं, तो ऐसे और भी बहुत सारी नीश हैं, उन पे भी मैं स्टार्ट करूंगी अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिला। क्योंकि अगर अच्छा नहीं रिस्पांस नहीं है तो इट मींस कोई पसंद नहीं कर रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा है तो बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेहनत बहुत सारी लगेगी बट किसी और को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो उस मेहनत वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, आज की ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हों आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब जब वो डलेंगी, प्लस आप इस चीज़ को औरों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे जो यूथ हैं आज में वो यूट्यूब की तरफ ही जा रहा है और उसको जाननी होती है यही सब चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।